अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दुश्मनों को मिटाएगा। इसके लिए यूएस एयरफोर्स 1000 से अधिक ड्रोनों का बेड़ा तैयार कर रही है। खास बात यह है कि इस बेड़े में खतरनाक माने जाने वाले F-16 फाइटर जेट भी शामिल हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने का मादा रखते हैं। वायुसेना सचिव फ्रैंक केंडल ने अमेरिकी सीनेट को यह जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद F-16 के कॉकपिट में बैठने वाले हैं, जिसे हाल ही में AI से उड़ान के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया वह ऐसा इसलिए करने वाले हैं ताकि वह खुद इसे देख सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सजा ये फाइटर जेट हवा में कैसा प्रदर्शन करता है। केंडल ने रक्षा पैदल के सदस्यों को ये भी बताया कि ड्रोन युद्ध तेजी से विस्तारित हो रहा है, खास तौर से यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में ड्रोन एक बड़ा खतरा बन गया है। यूक्रेन भी हर रोज नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर से मिडिल ईस्ट में हूती और अन्य आतंकवादी समूह लगातार अमेरिकी और अन्य वाणिज्यिक जहाजों को ड्रोनों के माध्यम से ही निशाना बना रहे हैं। यह एयर ड्रोन, वाटर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। बकौल कैंडल, जब वह F-16 फाइटर जेट में उड़ान भरेंगे तो उनके साथ एक पायलट भी होगा, जो बस मेरी तरह ही ये देखेगा कि ये विमान कैसे काम करेगा। अमेरिका का फाइटर जेट F-16 दुनिया का सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित लड़ाकू विमान माना जाता है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से निपटने के लिए लगातार इस विमान की मांग कर रहे थे। दुनिया भर में 25 से ज्यादा देश इस विमान का प्रयोग करते हैं, इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। यह फाइट जेट 15,000 किमी से ज्यादा ऊंची उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 4,000 किमी से ज्यादा है। रफ्तार तकरीबन 2,200 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह चौथी जनरेशन का फाइटर जेट है, जो हवा से हवा में मार करने के साथ अपने साथ मिसाइलों को भी ले जा सकता है। इसका रडार सिस्टम भी बेहद मजबूत है, जो तकरीबन 80 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 20 गतिविधियों को पकड़ सकता है। यूएस वायुसेना ने कई साल पहले से ही अपने बेड़े को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया था। अब अमेरिका फाइटर जेट को भी AI से चला सकता है। हालांकि अमेरिका ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि असल में ये बेड़ा कैसा होगा। इसमें पूरी तरह सिर्फ युद्धक विमान होंगे या भी कुछ छोटे ड्रोन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कैंडल के मुताबिक F-16 में उड़ान से वह भविष्य के बेड़े के पीछे की तकनीक का निरीक्षण करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका की ये तैयारी विशेष तौर चीन को देखते हुए की गई है। दरअसल चीन लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं का आधुनिकीकरण कर रहा है। वायु रक्षा प्रणालियों की वजह से मानवयुक्त दल को चीन के करीब भेजना जोखिम भरा हो जाता है। ऐसे में ड्रोन और AI से संचालित विमान दुश्मन का घेरा भेद सकते हैं। बताया जाता है कि पहले यह विमान सिर्फ जवाबी कार्रवाई ही कर सकता था, लेकिन अब यह अन्य काम भी कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि AI से संचालित फाइटर जेट मानवयुक्त जेट की तुलना में सस्ता होगा।